आज की टॉपिक है कोई कुछ भी करे हमें किसी से क्या मतलब है। अक्सर लोग कहते हैं, जैसे कहीं आप ऐसे समझ लो लड़ाई हो रहा है तो कहते हैं हमें किसी से क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं, क्लियर करते हैं क्या मतलब है और क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये धरती है, धरती पे एक कोई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रहती है एक, ठीक है, इसके चार बच्चे हैं, ठीक है, बी सी डी ई, ध्यान समझिएगा इधर से। तो ए के चार बच्चे हैं, ठीक है, बी सी डी ई। बी ने अगर कोई चीज गलत किया या गलत रास्ते पे चल रहा है, ठीक है, समाज के प्रति कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, कुछ और तो गलत कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट जैसे है दूसरे समाज, यहाँ पे ए वन रख देते हैं, तो अगर मान लीजिए दूसरा फैमिली रख देते, दूसरा परिवार, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर ये कुछ गलत कर देगा इस किसी के साथ, तो इसका अगर इसको कोई पीटेगा या कुछ भी करेगा इसके साथ, अगर ये गलत कर रहा है किसी के साथ और इसके साथ कुछ होगा, इसका परिणाम जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो इसका अगर अच्छे गलत बनेगा अभी, तो ये कहेगा अगर कि हमें इससे क्या मतलब है, तो इसका मतलब अगर इस ये अगर इस दुनिया में मतलब नहीं हो या कोई इसको पीटेगा तो इसको इसमें बोलना भी नहीं चाहिए, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, कहने का तत्पर। लेकिन आप जब ये गलत करता है तब तो नहीं बोलते हो, ठीक है, उस समय तो रोकने लगाते हो, या ये गलत करता है तो किसको आता है कि भाई इसका ये फल, इसके मतलब इसके बाप वो है, उसको बोलेंगे इसके बाप वैसे है, इसके बाप वैसे है, जबकि ये बी सही है, सी सही है, डी सही है, मतलब सी डी ई सही है, ठीक है, कहने का तत्पर। तो अगर गलती ये करता है इसको किसको सब पे पड़ता है, क्यों सब पे पड़ता है, ये ध्यान से, यही पॉइंट नोट करने वाली बात है, ध्यान से, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए जब ये कहता है कि कुछ भी करे तो हमें इससे क्या लेना देना है, कहते हैं ना हमें इससे क्या लेना है, तो यही है कि अगर ये गलत होता है तो अनुमान, इंसान पूरे सच्चाई की जांच नहीं करता है, मतलब सत्यता की जांच, और अनुमान लगाता है, और इसको इसके चक्कर में ये भी गलत और ये भी गलत होते रहते हैं, ये भी गलत। जैसे अभी आप देखते हो तो सरकार लेवल पे अगर छोटे मोटे नेता ने गलती किया या कहीं पे कुछ अपना गलती, तो छोड़ो दूसरा क्या करता है वो तो देखते ही है, लेकिन अपना कभी गलती किया तो कहता है सरकार ही गलत है। वास्तव में सरकार गलत है कि नहीं गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन वो तो नहीं देख रहा है, उस स्तर में जो होगा वही उसको चेक कर रहा है, और वो कुछ गलत किया तो वहां पे आता है, ठीक है, तो वही बात है। तो इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका, क्योंकि इससे अभ्यास, देखिए ए कोई है तो एक अगर मान लो कहते हैं अनाथ है, या अनाथ मतलब कहीं ना कहीं पैदा हुआ, कुछ को फेंक दिया या कहीं किसी का अकस्मात किसी का कुछ हो गया वैसे है, तो भी ये समाज से जुड़ा है कि नहीं यहाँ पे, और अगर ये गलती करेगा कुछ तो समाज में इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो कहेगा नहीं हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन समाज का तो लेना देना है ना। तो अगर इसको पनपने ही ना दे, और ये अच्छा करेगा तो इसके साथ समाज साथ देगा, और यही तब अच्छा बनता है, कहने का तो सुन ना। तो लोग कहता है कि कोई कुछ भी करे हमें क्या मतलब है, मतलब देखिए जब वो गलत कर रहा है, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप कि आपको वो पसंद नहीं है तो आप कह रहे हो तुम गलत हो, ये अलग बात है, ठीक है, कि जो चीज अगर जो समाज को नुकसान पहुंचा रहा है या परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है इससे, ठीक है, कहने का तो गलत कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको सुधारो, उसी समय अगर आपके पास पावर है तो सुधारो, अगर नहीं सुधारोगे तो फिर इसको जब सजा मिलेगा तब डिलियाओ मत, ठीक है, लेकिन यहां जब इसको पीड़ा होगा तो पीड़ा देने वाले कौन होते हैं, वो आप खुद होते हो, ये खुद होते हैं, आप अधिकतर स्तर पर देखोगे जब पीड़ा में रहेगा तो, लेकिन बाद में अगर यही किसी और के साथ होगा तब आप आओगे उसकी तरफ से, तो वही कह आप क्या कहते हो, हमें इसे किससे क्या मतलब है, हमें इससे क्या मतलब है, हमें किससे क्या मतलब है। तो जब वो गलत करते हैं तब तो आप बढ़ावा देते हैं, कहने का तत्पर बढ़ावा ये हुआ ना, जब आप जिस समय गलत करते हैं उस समय अगर आप रोक लगाए तो क्या दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत होगा, उस समय आपके पास पावर है तो ये सही रास्ता पे रहेगा, वो सही करेगा, तो आप वो तो करते नहीं है। आप ऐसे समझ लो सड़क है, सड़क पे दो आदमी जा रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है तो कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है, लेकिन ये अगर यहाँ पे दो आदमी लड़ रहा है, ठीक है, तो आप बिना सत्यता की जांच किए हुए
ठीक है। अब तो कुछ जात नहीं कर दो, कुछ भी करे हमें उसे क्या मतलब। जब यहाँ का पर प्रबल हो जाता है या कुछ हो जाता है कहने का तत्पर, फिर जो देश स्तर पे या राज्य स्तरीय कानून जो बना है वो जो एक्शन लेगा, इससे पहले जो होना है वो तो हो गया है। लेकिन जब सत्यता की जांच करते हो तो देखते हो जो जिस गलत इंसान वहाँ पे मतलब ज़्यादा आगे हो गया है। कहने का तत्पर ये कि गलत इंसान ने सही इंसान को बहुत बेरहमी से ये किया है, जब आपको पता चलता है कहने का तत्पर, या उस समय तो जांच करने की कोशिश नहीं करते हो तो क्या होता है फिर वहाँ पे, ये आप उससे डरने लग जाते हो। जब ये डरने लगे तो आज आपकी बारी उसकी बारी था, कल आप अगर अकेले में दिखोगे या आप कुछ ऐसा करोगे तो आप पे भी पड़ेगा। तो मेरा कहने का तत्पर, इसे पनपने ही मत दो, इसे पनपने ही मत दो। आप एक संगठन बना के ग्रुप बना के आप उसे लगा सकते हो तो तुरंत जांच सकते हो, तुरंत समझ सकते हो। लेकिन नहीं, सब चीज़ किस पे छोड़ दो, एक जो स्तरीय गवर्नेंस है और उसने भी जो नियम बनाया है, अगर अल्टर नियम है तो वो भी टूटेगा और टूटना ही पड़ेगा उस नियम को। नियम अच्छा होगा ठीक है, नियम बनेगा। ये सब सिस्टम आप कहते हो हमें इससे क्या मतलब है, समझ गए ना। तो इसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो आप कहते हो, तब आते हो नहीं ये हुआ और समझ गए ना कि ऐसा क्यों हो गया, तुम इसके ऐसा क्यों कर सकते हो। लेकिन आप ये तो नहीं जानते सत्यता की, तो जांच नहीं करते, गलत है। और इसी तरीके से क्या होता है, यही जो समाज में यही जो मतलब अराजकता फैलता है तो दूसरे फैमिली तीसरे फैमिली सब आपस में सब जगह क्या होता है, सबके डर खौफ फैलता है और ये अधर्म को बढ़ावा देने लगे तो सत्य मतलब जो सही आदमी है उस सबका क्या होता है, दबदबा हो जाता है। इसलिए जितने भी सही है जिसके साथ भी गलत हो रहा है, कहने का तत्पर, तो एक देखो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो तो वहां पे भी आप गलत हो, तो गलत हो ठीक है। और क्या भली बात ही जानते हो, तो इसलिए बार बार कहते हो कि हमें इससे क्या मतलब है, तो किससे मतलब है, इसका मतलब इसके साथ कोई संबंध आपका नहीं है। अगर इसके साथ कुछ भी हो, चाहे आज गलत रास्ता में है या गलत हो सकता है कुछ ऐसे ही है जो आपको लग रहा हो गलत, लेकिन वास्तव में सही अगर निकला भी तो फिर आप साथ नहीं दे रहे हो ठीक है, आप नहीं कर रहे हो ठीक है। तो फिर इससे कोई उम्मीद मत रखो, क्यों, क्योंकि जिस समय मैंने कहा ना जिस समय आपकी जरूरत होता है तो आप साथ नहीं देते हो ठीक है, या कुछ नहीं करते हो, हमें इससे क्या मतलब है कुछ भी करें। लेकिन बाद में जब अचीवमेंट या कुछ गलत कर लिया तो इसको दंड भुगतना पड़ता है और उसकी सबको भुगतना पड़ेगा, सब पूरा फैमिली मेंबर को भुगतना पड़ता है कि नहीं, तुम्हारे चाचा तुम्हारे दादा तुम्हारे नाना मतलब समझ गए ना, ये सब होते रहता है, सभी को भुगतना पड़ेगा कि इसका ये वंश ऐसा कुछ 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 सबको भुगतना पड़ता है। कहने का तत्पर सत्यता की जांच बहुत कम करते हैं ठीक है। लेकिन जब यही अच्छा हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, जब नहीं आपके साथ संबंध रहेगा तो तुम तो ऐसे निकले तुम तो ऐसे निकले। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब आप कहते हो किसी को कि कोई कुछ भी करे हमें किसी से क्या मतलब है, तो मतलब कैसे नहीं है, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है ठीक है। पहले तो घर स्तर पे, अगर घर स्तर पे आप क्लियर करते हो और नहीं मतलब है, अगर समाज में अगर बुराई पहुंचा रहा है कहने का तत्पर, कुछ गलत कर रहा है अकारण, मतलब यहाँ पे आपके घर है यहाँ पे कूड़ा फेंक दिया ठीक है, वो अलग बात है जबरदस्ती कहने का तत्पर अलग बात है। मतलब कहते हैं ना जबरदस्ती एक होता है हंसी मजाक, वो वाला बेटा आज है ही नहीं, आज है जो आपके जबरदस्ती मतलब आपको कर रहा है परेशान। तो यहाँ पे अगर आप इसको सबक न सिखाए छूट देते हो, वहीं पे बढ़ावा देते हो, जब बढ़िया बढ़ावा देते हो तो उसका वो हैबिट बदल जाता है, हैबिट आदत बन जाता है, और आदत बन जाता है तो फिर आप उसको झेलो ठीक है। और ये जब दूसरे जगह करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता है, ये देखा देखी के चक्कर में क्या होता है, हर जगह आदत जाता करता है, फेंकने की आदत हर जगह पड़ जाता है। तो इसीलिए लगाम लगाना है पहले, जब ये गलती करे तभी, तो तभी बार बार आप जब कहते हो ना कि ये दुआ भी जो लग रहा है ये इससे क्या मतलब है, अगर आपके पास पावर हो ठीक है तो आप बोल सकते हो यहाँ पे तुम लड़ नहीं सकते हो या कारण पूछ सकते हो, लेकिन डर लगा रहता है, स्वाभाविक है कि खुद ना लड़ाई हो जाए, क्योंकि आजकल को क्या कि ना। लेकिन वहाँ देखो ना अब क्या होगा, कल को आपके फैमिली के मेम्बर या हो सकता है कोई और हो तो उसकी जगह उसको भी तो कह सकता है, उसको भी तो कह सकता है, तो फिर क्या करोगे, अगला भी नहीं बोलेगा। तो इसीलिए जहां भी आपको लगे कि गलत है गलत हो रहा है तो प्रेम से, ये आंख कान मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम से फिर सत्यता की जांच कीजिए, फिर उसका उचित जो दंड है वो निर्धारित कीजिए, चाहे आप टेलीफोन कहते ना जो भी कानून बना हुआ है आजकल का सिस्टम है FIR जो भी सिस्टम कहने का तत्पर, जिस स्तर पर उसका ऐसा नहीं लिया नहीं गया है तो उसका भी प्रबंध है ठीक है।
तो इसलिए आप जब कहते हो हमें किसी से क्या मतलब है, तो समझ गए ना किसी से क्या मतलब है। इस आप से अगर कोई जुड़ा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देखो क्या जुड़ा नहीं हुआ है, समाज जुड़ा है, फैमिली जुड़ा है, तो एक गलती करोगे तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। कभी कभी एक गलती करोगे, जैसे राजा गलती पूरा कर देता पूरा उसका परिवार क्या हो जाता है, पूरा प्रजा कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपका घर स्तर पर देखिए यहाँ पे गलती तो परिवार भुगतना पड़ता है, होता है ना, फिर धीरे धीरे समाज फिर सब पे असर होता है, ठीक है, उसके रिलेटिव में जो जो लिंक होता है सब पे थोड़ा थोड़ा असर करता है। जैसे कहते हैं भूकंप आता है उद्गम स्थान, जैसे मान लो कहीं पे भूकंप आया यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे ज्यादा रहेगा और ये धीरे 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 कम हो जाएगा। जैसे पानी में आप मारते हो मतलब एक हाथ या ढेला, तो वहां पे ज्यादा होता है, फिर उसके धीरे 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 थोड़ा ना थोड़ा तो सब पे असर करता है। तो कहने का तात्पर्य ये कहना बंद करें कि कोई कुछ भी करे हमें किसी से क्या मतलब है, नहीं तो अब कल की बारी मतलब नेक्स्ट कल की बारी मतलब कहने का तात्पर्य नेक्स्ट मतलब अगली बारी आपकी भी है, कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो आपके साथ तय है 100% उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अराजकता को आप फैलने में मदद कर रहे हो ना, आप गलत पे रोक कहाँ लगा रहे हो, खुद घर पे जब अत्याचार में दर्द हो रहा है या इस लेवल पे तो आप देख रहे हो सब परेशान, तो फिर नेक्स्ट लेवल में नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जब कुछ गलत हो रहा है तो उसी समय अपने आप को क्या करो, अंतरात्मा की सुनो, और जो आपके पास पावर है उसको उचित उपयोग करो, नहीं पावर है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पावर हो बुद्धि हो किस हिसाब से कैसे किया जाए तो आप उसका उपयोग करो, लेकिन जान बुझ कर अनजान, तो वही कहे ना आप ही देखो दुर्योधन था, ठीक है, भीष्म पितामह की क्या गलती था, कर्ण की क्या गलती था, ये दोस्त था, अनुशासन की क्या गलती था, इसका भाई था, इसने जैसे कहा वैसा किया, लेकिन सबका ये, और बाकी देख लो इतने सैनिक की क्या गलती था, कहने का मतलब टॉपिक और समझाऊंगा, लेकिन इसकी सबको भुगतना पड़ा ना, सब पिछाए ही नहीं। तो उसी प्रकार आप जो बोलते हो कि हमें किसी से क्या मतलब है, कोई कुछ भी करे तो चाहे तो घर स्तर पे देखो या किसी भी स्तर पे, ठीक है, अगर देखो मान लो इनके शिवसी है और इसके बच्ची है और आज तक कहीं गए, ठीक है, और उसके साथ कुछ गलत हो गया, आप इससे मतलब नहीं रखते हो, क्योंकि आपको कुछ बोलेगा और आप ही बोलोगे उसे 10 बातें, ठीक है, तो बढ़ावा तो आप दे रहे हो, तो भाई ये कहेगा कि हमें भी इससे क्या मतलब है, तो इससे सीधा सीधा सब चीज में संबंध करो ना, ये नौटंकी क्या बना के रखे हो कि कोई चीज में संबंध रखना है, बाकी गलत चीज जहां हो जाए तब बताएंगे और तब हम मानेंगे, नहीं तो तुम गलत हो, कहते हैं ना। तो इसका इसीलिए मैंने कहा है कि कोई कुछ भी करे हमें किसी से क्या मतलब है ये बोलना बंद करे, ठीक है, आपके पास जितना पावर है जितना है उसका उपयोग करे, और अगर संबंध तोड़ना है तो ढंग से तोड़े, बिल्कुल नहीं रिश्ता नहीं रखना तो नहीं, भाई हो ना चार तो आप तीन मतलब 3-2-1 मतलब हम नहीं जानते, बिल्कुल किसी भी चीज में नहीं जानते, ठीक है, किसी भी स्तर पर आप दूसरे फैमिली के साथ किसी के साथ गलती करेगा तो उसको कूटे कुछ भी करे तुम बीच में इंटरफेयर मत करो, फिर यही होगा नहीं। इसीलिए जब कोई गलती करता है उस समय उसको समझाया जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि देखो धोखा कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता है ना, है जानबूझ के अबोध होता है तभी तो, लेकिन जब जिसको ज्ञान हो गया इसके बाद भी वो गलती करता है उसको समझ नहीं है, एक जबरदस्ती अस्वेच्छा अंतर होता है, तो ये जब टॉपिक होगा तो समझाएंगे। तो जबरदस्ती कुछ भी गलत है, ठीक है, सिवा शिक्षा के, क्योंकि जब शिक्षा तो करना चाहिए इसलिए कि थोड़ा ज्ञान आएगा तो कहते हैं इंसान थोड़ा बुद्धि खुलेगा, तो आजकल तो अपने महान बनते हैं सब हर जगह हर लेवल पे, तो यही चीज़ है। इसलिए ये कहना बंद करें कि हमें किसी से क्या मतलब है, नहीं तो मैंने कहा ना सब भुगताना, तो एक की गलती की सजा सब भुगतोगे और भुगतना ही पड़ेगा हर स्तर पे, इसीलिए सावधान हो जाए, ठीक है, और जहाँ तक संभव हो वहाँ संघर्ष करे, और क्या मतलब है वो नहीं मतलब है तभी तो, मतलब तुम गंदगी फैला रहे हो कहने का तात्पर्य, तो इसका इफेक्ट अगर वहाँ पे कुछ पॉल्यूशन या कुछ होगा बदबू आएगा कहने का तात्पर्य तो सभी को पड़ेगा ना, तो वहाँ से गंदगी नहीं वहाँ फैलाओ बोलोगे ना, तो नहीं हमें क्या मतलब है,
इसलिए एक सिस्टम से काम होना चाहिए। अब इसको जितना बढ़ाओगे ना उतना होगा। मेन मोटिव ये था कि आप सब बार बार बोलते रहते हो हमें किससे क्या मतलब है, किससे क्या मतलब है। भाई किसी से क्या मतलब है, बहुत मतलब निकल रहे हैं। आप देख रहे हो ना, आपके पास पावर है तो उपयोग करें, नहीं है तो जो जिस फील्ड में पावर है मतलब वहां तो कर सकते हो तो वहां कीजिए, बाकी ऊपर वाले में छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा पावर होने के बावजूद भी, तो आपका पावर क्या किस बात का है, हैं? जानबूझ के अनजान बनेगा, हैं? समझ गए ना? ओके।